अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। अभी हम आ चुके हैं बगलकार, और कलकार में फ़िलहाल पार्किंग पॉइंट में, और फिर वहाँ से आगे इंटर होते हैं, फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं पार्किंग पॉइंट के रेट्स चेक कर लें, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, आईएस का, बस का, सब के रेट्स मुख्तलिफ हैं। हमने अपनी गड्डी पार कर दी है और अब हम जाते हैं इसके अंदर भाई। पूरी मार्केट है, और यहाँ ये ऊपर पहाड़ी का रास्ता जा रहा है। इस पूरी मार्केट में खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं, कोई आइडिया नहीं टेस्ट कैसा है। बर्गर मैंने खाया हुआ है, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब यहाँ से हम इंटर हो चुके हैं अंदर, और ये अंदर का व्यू है। जिन लोगों ने कलकार नहीं देखा हुआ वो देखें, और जिन्होंने देखा हुआ है वो साइड मारे, क्योंकि उन्होंने मुझे कि हमें कहना कि हमने तो देखा है, देखा हुआ तो भाई क्या करने आए हो इधर। सारी छड़ा वहाँ इधर बैठी हुई है, हिंदी वाला तो कोई मॉल नहीं लग रहा। उस साइड के सारे झूले हैं, इस साइड पे ये झील वाला सिस्टम है, ऊँट की सवारी जो मैंने आज तक नहीं की। हाय, उस साइड पे कोई फैमिली हॉल भी बना हुआ है, कोई पता नहीं अंदर क्या है। और ये घोड़ा वगैरह खड़ा हुआ है, ये ऊँट है। और इस साइड पे ये घोड़े की सवारी है, ये बैलेंस वाली जो गेम होती है जो मैंने आज तक नहीं खेली। इसके आगे ये झील का व्यू है, और इस साइड पे झूले चल रहे हैं। झील से भी बहुत डर लगता है, कश्ती रानी मैंने कभी नहीं की। आप आए तो ज़रूर करें, ये पूरी आपको झील का सैर करवाएंगे। ये जी झील, इधर तो कबाड़ खाना, और उस साइड पे ये काफ़ी आगे जाके वहाँ से आगे कश्ती चलती है। मुझे नज़र आ गए हैं बाबा जी वेट चेक करने वाले, आए उनसे जाके वेट चेक करते हैं मेरा कितना हो चुका है। कम ही होगा, ज़्यादा तो हो नहीं सकता। चलो जी वेट करते हैं, भाई लेकर ले आई हूँ। जूते पहन के खड़ी हो जी, पूरा सौ हो गया। कितना है? सौ 45, 44। चलो, ये 20-20 रुपए का वेट चेक कर रहे हैं, और 45 किलो। माशाल्लाह 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 मेरा हो चुका है, बड़ी खुशी की बात है। इस साइड पर उसका काफ़ी मेला लगा हुआ है, वहाँ पर झूले लगे हुए हैं, और उस साइड के सारे झूले झूले हैं, बड़े बड़े झूले हैं। जब से वो कश्ती वाला झूला गिरा है मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं कोई झूला नहीं ले रही। हमारे पहले शॉपिंग पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से अगर आप कोई चीज़ लेना चाहें, इसी तरह गिफ्ट वगैरह। यहाँ पे साइड पे रेस्टोरेंट बना हुआ है, माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है। यहाँ से आगे जाकर आ जाते हैं सारे झूले, कुछ अच्छे लोग वजू कर रहे हैं। यहाँ पर गिफ्ट आइटम मौजूद हैं, आप अपने किसी प्यारे के लिए अगर गिफ्ट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, कुछ खा पी भी सकते हैं, और झूले भी ले सकते हैं। हमारे साथ कोई बच्चा नहीं है इसलिए हम झूले नहीं ले रहे। कौन झूले ले हमारे, टिकट घर भी है तो वहाँ झूलों का टिकट भी होगा। झूला मैंने आज तक नहीं लिया, बहुत डर लगता है मुझे। कश्ती वाले काफ़ी स्लो हो गए हैं, ये बहुत तेज चलता है। वो ऊपर ट्रेन चल रही है, हाथी खड़ा हुआ है। यहाँ पर फिर आकर झील का व्यू नजर आ जाता है।
कि बस कलर कार यहीं पर एंड हो जाता है। झील बहुत बढ़िया है लेकिन बिल्कुल सफाई नहीं है, इसकी अगर सफाई की जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगे। ये सारा झील का व्यू है, इस साइड पे सारी कश्तियाँ वगैरह हैं जहाँ पर लोग झील में जाते हैं इन कश्तियों पर। और इसके अलावा ये पीछे एक पहाड़ी है, यहाँ पहाड़ी के ऊपर एक दरबार भी था। ये टोटल कलरकार पॉइंट है जहाँ पर लोग आते हैं। गोलगप्पे मंगवाए तो है, पता नहीं कैसे होंगे। गोलगप्पे खा लिए, टेस्टी थे, ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे लेकिन मेरी ख्याल से ठीक है। बाकी अगर आप पिज्जा ही हो तो चाय मसाला मिला, वैसे अगर आप अच्छे थे टेस्ट अच्छा है। हम भाई निकल आए हैं और अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं, अपना भी लोग यहीं पेंड करते हैं। मुझे रखिएगा दो में याद, अपना रखिएगा ख्याल। तो प्लीज़ यार व्यू कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इन ब्लॉग्स के पीछे। चलें इसी के साथ, अल्लाह हाफिज़।